नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र कल तक के लिए हुई स्थगित, आरक्षण पर जमकर हुआ हंगामा। चार ठेकेदार एक हफ्ते से लापता, परिजनों ने कहा नक्सलियों ने किया अगवा। धर्मांतरण का विरोध कर रहे ग्रामीण, मामला शांत करने गए एसपी को लगा पत्थर। अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 6 जनवरी तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन भानुप्रतापपुर उपचुनाव की नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी ने शपथ ग्रहण किया। इसी के साथ ही आज सत्र में पहले दिन ही आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। इस बीच विधानसभा के कार्यवाही को स्थगित भी किया गया और फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि यह सरकार केवल मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, यह सरकार लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहती, लोगों को गुमराह कर रही है और आंदोलन करने की बात कर रही है। राज्यपाल पर राजनीति गलत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में घूमने के लिए 4 ठेकेदार करीब एक हफ्ते से लापता हैं। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार को नक्सलियों ने अगवा किया है। ये ठेकेदार कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने ऐसे कोई भी जानकारी से इनकार किया है। अफसरों का कहना है कि इस बात की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लापता ठेकेदार के परिजनों के अनुसार कोतवाली क्षेत्र में तहत जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर गोरना क्षेत्र में ठेकेदार लापता हुआ। परिजनों ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि हो सकता है कि ठेकेदारों को नक्सलियों ने अगवा किया है। इसे लेकर आशंका जताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और परिवारों ने नक्सलियों की हिरासत में होने पर ठेकेदार को उन्हें रिहा करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धर्मांतरण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पथराव में एसपी सदानंद के सिर पर पत्थर लगा है और वे घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हफ्ते भर पहले नारायणपुर के एरका गाँव में ईसाई समुदाय के लोग आए थे, उन्हें गाँव वालों ने मार कर भगा दिया। इसके दूसरे दिन गांव में बड़ी संख्या में समाज के लोग आए, उन्होंने गांव वालों से मारपीट की और जब गांव वालों ने विरोध किया तो उनसे भी मारपीट की। इसके साथ विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे और चर्च पे पथराव कर रहे थे। इस दौरान उन्हें रोकने पहुंचे एसपी पर भी पत्थर लगा और वे घायल हो गए। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।